प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते होंगे कि जो भी गृह विज्ञान का पेपर बनता है वो 70 नंबर का बनता है। कितना नंबर का भैया? 70 नंबर का बनता है, जिसमें तो आप सभी का 20 तो बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और 50 नंबर का लिखित वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की सेशन के माध्यम से हम सब यही समझेंगे कि 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है और कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होगा। आज की धमाकेदार वीडियो के माध्यम से हम सभी स्टडी करने वाले हैं। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान वाले पेपर में 70 में 70 स्कोर करेंगे। अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी आपका पेपर बनेगा वो दो खंडों में डिवाइड होगा। एक तो होगा भैया खंड अ और दूसरा होगा भैया आपका खंड ब। एक तो होगा खंड अ और एक होगा खंड ब। जो भी आपका खंड अ होगा भैया, उसमें क्या होगा, 20 एमसीक्यू रहेंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं और खंड ब जो आपका होगा वो 50 नंबर का रहने वाला है। तो भैया आप लोग तो बहुविकल्पी तो कर जाओगे, लेकिन कॉपी जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तैयारी तो बहुत होता है, लेकिन कॉपी जो लिखने की जो आइडिया होता है सबके पास नहीं होता है। तो ये हम इसी चीज को समझते हैं कि आप सभी को जैसे ही पेपर मिलेगा आपको क्या आइडिया अपनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गृह विज्ञान कॉपी बिल्कुल ऐसे ही लिखना, फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले करना क्या है, खंड ब यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है, खंड ब इसी प्रकार से बढ़िया से गोल गोल लिखना है एकदम जैसे ही, और कहीं भी काटा पीटी नहीं करना है। आप अगर ये पूरा कॉपी उठा करके देखोगे ना तो इस कॉपी में कहीं भी काटा पीटी या ओवरराइटिंग नहीं मिलेगा आप सभी को। इस कॉपी की यही खासियत है। और यहाँ पर जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा वर्णात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से आप सभी को पूरा बढ़िया से हेडिंग लगा कर लिखना है और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 20 तो आप सभी के बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन रहेंगे, बात यहाँ पे आ गया 21 नंबर वाले क्वेश्चन से। तो हमें हेडिंग लगाना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। इससे पहले करना क्या होगा, आप सभी को अपने कॉपी में लेफ्ट साइड में, जो आपका लेफ्ट साइड होगा उस वाले साइड में एकदम बिल्कुल ऐसे ही हाशिया लगा लेना है, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। आप लोगों को दोनों साइड में हाशिया नहीं लगाना है वरना नंबर यही से कट जाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे कॉपी को बर्बाद करने के लिए दोनों साइड में हाशिया खींच देते हैं, तो आपका ये काम नहीं करना है, ठीक है। आपको एक साइड में हाशिया खींचना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 यहाँ पर लगाएंगे, लिखेंगे लचीला बजट। पूछा गया था क्वेश्चन कि लचीले बजट से क्या समझते हैं या इसका तात्पर्य क्या होता है। लिखेंगे लचीला बजट, जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पे कामा लगा दो भैया इस प्रकार से। और गतिविधि के स्तर में, ठीक ना, गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन के अनुमति देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लचीला बजट कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, लचीला बजट बोलेंगे। इस प्रकार से आप सभी को परिभाषा यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो 22 पूछा जाएगा, बोला गया क्वेश्चन कि ओजोन परत का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। इसमें लिखेंगे ओजोन परत का, ओजोन परत का महत्व, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे कि ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच कहा जाता है, कवच कहा जाता है, ठीक ना।
क्योंकि यह परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। तो भैया आप सभी को इस तरीके से कॉपी में लिखेंगे और बढ़िया से सुंदर अक्षर में ऐसा बोला जाता है बेटा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो पहला पेज है वही डिसाइड कर देगा एग्जामिनर को आपको 70 में 70 देना है कि 70 में 60 देना है कि 70 में 50 देना है। आपको इंप्रेशन शुरू से लेकर के एंड तक, कॉपी के एंड तक जमा करके रखना है, तभी जाकर के भैया पूरे नंबर मिलेंगे। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं क्योंकि भैया ये ऐसा माइक है कि कभी कभी शटडाउन भी ले लेता है, हमको दिक्कत हो जाता है पूरा वीडियो बनाने के बाद आवाज ही नहीं आता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर कि नाप लेने की दो विधियां कौन सी होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 25 शब्द में निपटा देते हैं। लिखेंगे नाप लेने की विधियां निम्नलिखित है कौन कौन सी है भाई। छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप के अनुमान लगाना और प्रत्येक अंग का अलग अलग से नाप ले लेना, ये हमारी होती है नाप लेने की विधि। इस प्रकार से लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 में मोच किसे कहते हैं, मोच का क्या मतलब होता है। तो हड्डियां जोड़ के स्थान पर एक दूसरे से बंधक सूत्रों अथवा तंतुओं से जुड़ी होती है। अचानक चलते चलते फिसलने या ऊंचे नीचे स्थानों पर पैर पड़ने अथवा गिर जाने के कारण बंधक सूत्र या तो अधिक खिंच जाता है अथवा टूट जाता है, इसे ही मोच कहते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी हम ऐसा भी होता है गाड़ी से गिर जाएंगे या बारिश के मौसम में फिसल जाते हैं, तो ये जो हमारी हड्डिया होती है क्रैक हो जाती है, क्रैक हो जाती है या खिंच जाती है या कहीं से क्रैक हो जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, मोच बोलेंगे। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि खड़े होकर भोजन पकाने से क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में समझाइए। तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि गृहिणी को कपड़े खराब नहीं होते हैं, जो भी आप गृहिणी का कपड़ा होगा वो सबसे पहले तो भाई खराब नहीं होगा। उसके बाद से बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है, जिससे थकान कम होती है, जिससे थकान आपका कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भोजन परोसने में सुविधा प्राप्त होती है और रसोई घर में गंदगी कम होती है। कब? जब हम खाना खड़े होकर के बनाएंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, अरे भाई क्या हो गया है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 26। इस प्रकार से मैंने कौन कौन सी विधियां होती है, ठंडी स्पंज विधि, ठंडी विधि, इस प्रकार से आप सभी को यहां पर लिखना होगा। तो भैया ये तो हो गया इसी प्रकार से। अब आपको गलती क्या नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन करते जाना है, करते जाना है। मान लो क्वेश्चन 27 नंबर आपको नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, आप यहीं पे छोड़ दिए। लेकिन ऐसा हुआ बीच में, अंत में हुआ कि टाइम कम हो गया और टाइम कम होने की वजह से आप इस क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाए, तो आपको ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, आपको ब्लैंक पेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको तुरंत करो। देखो 26 नंबर क्वेश्चन के बाद आप 28 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन करोगे तभी जाकर के नंबर मिलेगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में आप सभी को रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में जल का काम क्या होता है, इसके महत्व को बस समझाइए। तो मानव शरीर का जो लगभग 70% हिस्सा होता है वो जल से बनता है या बना हुआ होता है। स्वास्थ्य जीवन बनाए रखने के लिए शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, लार जैसे शारीरिक तरल पदार्थ बनाने में मदद करने के लिए नियमित रूप से मल त्याग, मांसपेशियों को कार्य ठीक तरह से होने के लिए, स्वास्थ्य और युवा दिखने वाली त्वचा के लिए पानी आवश्यक है। मतलब हम पानी जब ग्रहण करते हैं शरीर में तो इतने प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। इसी प्रकार से भैया आप सभी को लिखना होगा। आगे लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 29 या एक प्रकार का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 है, विक्रय मूल्य 2000 है, तो उसका लाभ का परसेंटेज बताना है। तो भैया लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा, लाभ यहाँ पर 400 रुपया हो जाएगा। और परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा मेरे दोस्त, पूरा नंबर, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। आगे बात कर लेते हैं खपच्ची का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में समझाना है। 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो लिखेंगे दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को, अस्थि मतलब हड्डी, दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को सहारा देने व स्थिर रखने के लिए अस्थि भंजन में खपच्चियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हड्डियाँ टूट जाती है ना, इसको दोनों ओर से एकदम बढ़िया से बांध दिया जाता है, उसी को हम खपच्ची बोलेंगे, ठीक है।
चलो भाई आगे देख लेते हैं, भोजन पकाने के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। 31 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हम भोजन क्यों पका करके खाते हैं? तो भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए, भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, भोजन को कीटाणु रहित बनाने के लिए और संरक्षण करने के लिए। इतना सा तरीका होता है हमारा भोजन, इसलिए हम तरीके से बना करके खाते हैं कि ना, ये होता है तरीका कॉपी लिखने का। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि कितना अच्छा तरीका से इस कॉपी को प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर आप भी अगर ऐसा कॉपी पेपर में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया आपका भी एक भी नंबर ना कटेगा, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। जो आपका 32 वाला क्वेश्चन है, 32 नंबर वाला, गृह गणित क्या होता है और गृह गणित का महत्व क्या होता है, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन होता है, जो कि आपके पेपर में सीधा सीधा 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक ना, इसमें लिखेंगे गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है, तब उससे क्या बोलते हैं भैया, गृह गणित बोलते हैं। इसका काम कहाँ कहाँ पर पड़ता है भाई, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि गृह गणित का ज्ञान गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए अति आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं अवश्य ही करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इतना तरीका से कॉपी लिखोगे भैया एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से 33 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रोगी का भोजन तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इतना सा तरीका है, 1 2 3 4 5 6 नंबर का है, 6 टॉपिक लिख दोगे, 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, 6 में 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। एक भी नंबर आपका ना कटेगा, एक भी नंबर ना कटेगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। और अंत में जो हम बात करेंगे 34 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक ना, इसी प्रकार से घर में सिलाई करने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस आइडिया के साथ 2025 वाले बोर्ड पेपर में गृह विज्ञान की कॉपी लिखते हो तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा नंबर मिलेगा भाई, पूरा नंबर, क्योंकि यह जो कॉपी है खुद टॉपर के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से टॉपर बोर्ड में कॉपियां को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी जाकर के उनका पूरा नंबर मिलता है। ठीक ना, तो भैया अगर 70 में 70 स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये सब स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर के पूरा नंबर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।